हेलो दोस्तों, न्यू एग्ज़ाम चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं परमानंद और आप सबों के कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे मैं आप सबों के लिए फिर से लेकर के आया हूं। अब की बार आयुषियल तुम्हारा। जी हां दोस्तों, यदि आप हमारे साथ शुरू से लगे रहिएगा तो वाकई में इस बार आईसीएल आपका होगा। और यदि आपने हमारा पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आईसीएल का सिलेबस देख सकते हैं। आईसीएल पे कुछ वीडियो बना करके मैंने पहले डाला हुआ, तो वो देख सकते हैं। मैं आज 2017 में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक। क्वेश्चन 2017 में सेम सिलेबस के अनुसार ही पूछा गया था। 60 टेक्निकल था, 25 नॉन टेक्निकल था। इसमें मैं सिर्फ आपको टेक्निकल क्वेश्चन को ही करवाऊंगा, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो बना लूँगा। इसमें 2017 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं इकट्ठा करके रखे हुए था, उसी को आज मैं करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। क्वेश्चन का नंबरिंग उलट पुलट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम टू सेम 2017 के क्वेश्चन से मिल जाएगा। यदि कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज शुरुआत करते हैं। तो हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप उस वीडियो से वंचित न रह पाए, आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच पाए। इसलिए आप उस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर एक है, व्हिच पंप इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट केमिकल सब्सटेंस, यानी कि वह कौन सा पंप है जिसकी सहायता से केमिकल सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। तो आपका हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये वो पंप होता है जिसकी सहायता से हम केमिकल सब्सटेंस को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा सकते हैं। सेकंड, द ऑक्टेन नंबर ऑफ क्रोमियम इन N2Cr2O7 में क्या होता है, ये आप क्लास 12th में पढ़े ही होइएगा कि कैसे ऑक्टेन नंबर निकाला जाता है। तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, यदि आपको नहीं समझ में आता है, नहीं आया है तो बोलिएगा, मैं आपको फिर से अलग से की वीडियो में बता दूंगा। नहीं तो जिस टॉपिक में या जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्यूशन वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। यदि हम ज़्यादा यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑक्टेन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल पी जी हैज मैनुफैक्चर्ड इन व्हिच यूनिट, एल पी जी जो है आईओसीएल में
किस यूनिट में बनाया जाता है? ए एफ यू यूनिट, डी लेड कोकर, सी RFCC यूनिट। तो दोस्तों LPG जो होता है सबसे एक तरह स्टॉप प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो कि आपके प्रत्येक यूनिट से निकलता है, यानी कि एफ यू से भी, डिलेट कुकर और RFCCU तीनों से LPG निकलता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम कोक इज ए मैनुफैक्चर्ड इन, पेट्रोलियम कोक किस यूनिट में बनाया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डिलेड कोकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल इज, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानकारी है ही, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सीटेन नंबर ऑफ डीजल ऑयल फॉर ट्रक इज कितना होता है? सीटेन नंबर जो होता है डीजल ऑयल का ट्रक फ्यूल के लिए, ट्रक के लिए, वो 35 होता है। कितना होता है? 35 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ CBFS LDO SKO इज क्या होता है? CBFS मीन्स कार्बन ब्लैक फी स्टॉक, LDO का लाइट डिस्टिलेट ऑयल, SKO का सुपीरियर किरोसिन ऑयल, ये आपका फुल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हीट ट्रांसफर मेथड यूज्ड इन हीट एक्सचेंजर, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि हीट एक्सचेंजर में किस प्रकार का हीट ट्रांसफर होता है? कंडक्शन होता है, रेडिएशन होता है, या बोथ होता है, या नन होता है? तो हीट ट्रांसफर में आपका हीट एक्सचेंज जो है आपका दोनों मेथड से हो सकता है, यानी कि बोथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइमरी एयर इज ए सप्लाई टू बर्नर इन फर्नेस फोर, प्राइमरी एयर का यूज क्यों किया जाता है बर्नर में? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर स्मूथ बर्निंग, फोर स्मूथ बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर मेथड यूज्ड इन द फर्नेस, अब यदि फर्नेस की बात करें तो फर्नेस में हीट ट्रांसफर किस मेथड के द्वारा होता है? तो फर्नेस में आपका हीट ट्रांसफर जो है तीनों मेथड से होता है, कंडक्शन से भी होता है, कन्वेक्शन से भी होता है, और रेडिएशन से होता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन ए ह्यूमन बॉडी क्या? आपका ऑप्शन ए है H2, बी O2, सी N2, डी कार्बन। तो आपका इसका ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रेयरली अवेलेबल इन एटमोसफेयर, हीलियम, नियोन, आर्गन या जेनोन? तो इसका आपका ऑप्शन जेनोन हो जाएगा, ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ LPG इज, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कोक ये यूज्ड फॉर, पेट्रोलियम कोक का यूज क्यों होता है? पेट्रोलियम कोक का यूज, ऑप्शन ए बर्निंग पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, सी कुकिंग के लिए, किसके लिए? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए पेट्रोलियम कोक का यूज किया जाता है। ब्लू कलर हैज डैश वेव लेंथ द रेड, ब्लू कलर का जो वेव लेंथ होता है वो रेड की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, बराबर होता है, कि ये सभी होता है, क्या होता है? तो आप जानते हैं कि ब्लू कलर का जो वेव लेंथ होता है वो रेड की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। यानी आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेनबो इज ए फॉर्म ड्यू टू, आप जो आकाश में बारिश के बाद जो रेनबो देखते हैं वो क्यों फॉर्म होता है? ऑप्शन ए सनराइजिंग, ऑप्शन बी डिफ्यूजन ऑफ लाइट, सी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विथ वाटर ड्रॉपलेट्स, या डी ऑलवेज आफ्टर। तो आप हमेशा ये देखते होइएगा, रेनबो जो फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है? बारिश के बाद ही फॉर्म होता है, जो कि क्या है, हमेशा 100% सही है। तो आपका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेवन, इंक स्प्रेड्स ऑन पेपर ड्यू टू कोहेशन, एधेशन, ब्लॉटिंग, ए एंड बी। आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा, कैपी लरी या कोहेशन या एधेशन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंड फर्स्ट व्हेन द अर्थ क्रस्ट इज ड्रिल्ड, यदि अर्थ को कटिंग किया जाएगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा? इथेन निकलेगा, ब्यूटेन निकलेगा, मिथेन निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, क्या निकलेगा? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथेन जो होता है, मिथेन सबसे पहले निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ओ हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन एफ जी, सही है, गलत है, कि दोनों है, क्या होगा? ये आपका गलत है। एफ ओ का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है एफ जी से लो होता है। तो आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड वेपर प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए वेपर लोकिंग टेंडेंसी, ट्रू वेपर प्रेशर, सी ऑक्टेन नंबर, डी सीटेन नंबर। तो आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेपर लोकिंग टेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई इज अनडिजायरेबल इन क्रोसिन, ए एरोमेटिक्स, बी पेराफिन, सी आइसो पेराफिन, डी ऑलफिन। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एरोमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कंज्यूम्स हाइड्रोजन, किसमें हाइड्रोजन कंज्यूम होता है? ए एवियो, बी डिलेड कुकर कोकर, सी आर एफ सी सी यू, डी नन ऑफ दीज। जी नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक यूनिट ए भी होगा, डिलीट कोकर हो गया, आर एफ सी सी यू यूनिट हो गया, सभी से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, न कि कंज्यूम होता है, न कि अवशोषण नहीं होता है। इसलिए आपका इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, नन ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए वी यू वी डी यू आर एफ सी सी यू स्टैंड्स फॉर क्या होता है? ए वी यू, बार बार आपको बोल चुके हैं, ए वी यू स्टैंड्स फॉर एटमोस्फेरिक एंड वैक्यूमेंट, वी डी यू वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, आर एफ सी सी यू का होता है रेसिड फ्लूड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, H2S गैस इज हैवियर देन एयर, H2S गैस जो होता है एयर से भारी होता है? जी हाँ, H2S गैस जो होता है हवा से क्या होता है? भारी होता है, इसके लिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25, फ्लैश पॉइंट ऑफ किरोसिन इज, फ्लैश पॉइंट ऑफ किरोसिन क्या होता है? तो आप लोग फ्लैश पॉइंट के बारे में जानते ही होइएगा, फ्लैश पॉइंट किरोसिन का जो होता है तो वो 35 to 90 डिग्री सी के बीच में होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, NH3 इज एडेड इन द टॉप ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम बिकॉज, NH3 जो डिस्टिलेशन कॉलम में टॉप से क्यों ऐड किया जाता है? क्यों? क्योंकि फॉर इन इंक्रीजेज पीएच ऑफ द बूट वाटर, पीएच वैल्यू जो होता है उसका बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए सॉफ्टेस्ट, यानी कि सबसे अधिक सॉफ्टेस्ट मुलायम मेटल कौन सा है? तो जानते हैं ये कि सबसे मुलायम मेटल कौन होता है? सोना होता है, गोल्ड होता है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 100 न्यूटन इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी व्हिच प्रोड्यूस द 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड? आप जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है? Fs होता है, F आपका यहाँ पे है 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 5, 5 × 100 इज इक्वल टू 500 हो जाएगा, और यूनिट इसका क्या हो जाएगा? वर्ग का जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग, व्हाइट कलर प्रोड्यूस्ड हुआ क्या चीज़ ऐड करने से? एडिटिव प्राइमरी कलर ऐड करोगे तो वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार इज ए फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ व्हिच विल बी शोन आफ्टर ए ईयर्स, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार इज 4 लाइट ईयर विल बी शोन आफ्टर, शोन आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार इज फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ द कलर प्रोड्यूस, जब तारा टूटता है तो तारा टूटने के बाद जो उसका कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। व्हिच होल सिग्निफाई एब्जॉर्बिंग ऑफ ऑल व्हाइट एनर्जी? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लैक होल। डीमल्सीफायर इज एडेड इन डिसॉल्टर टू ब्रेक द इमल्शन, टू ब्रेक द इमल्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, व्हिच फील्ड इज यूज्ड इन डिसॉल्टर,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज इन डिसाल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, व्हेन करेंट इज प्रोड्यूस्ड एलोंग ए वायर इट प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, दिस लॉ रिलेट्स टू द फेराड्स लॉ, दिस लॉ इज रिलेट्स टू द फेराड्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गैसोलीन, यदि सल्फर प्रेजेंस रहेगा गैसोलीन में तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इंक्रीजेज ऑक्टेन नंबर, बी डिक्रीजेज सीटेन नंबर, सी लीड्स टू कोरिजन, डी इंक्रीजेज इफिशियंसी ऑफ इंजन। नहीं, आपका इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लीड्स टू कोरिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अ स्ट्रिपर इज गिवेन ऑन द साइड ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, ऑप्शन ए टू गिव सपोर्ट टू द कॉलम, बी रिमूव लाइटर एंड्स फ्रॉम प्रोडक्ट, सी टू प्रोड्यूस मोर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, डी नन ऑफ दिस। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रिमूव लाइटर एंड्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो आप लोग जानते ही है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, यानी कि डिस्टेंस का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी, बी प्रेशर, सी फोर्स, डी एक्सीलरेशन। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेशर जो होता है आपका ये क्या होता है, अ स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रुपल्ड, ऑप्शन ए मोमेंटम, बी एक्सीलरेशन, सी फोर्स, डी काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इफ द सब्सटेंस रिएक्ट्स एंड फॉर्स थर्ड सब्सटेंस, इट रिक्वायर्स सम एनर्जी, इफ सब्सटेंस इज डिकम्पोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज, क्या होगा? ऑप्शन ए लेस होगा, या बी मोर होगा, सी इक्वल होगा, या डी नन और डीज होगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फॉर एन आइडियल गैस इफ प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डैश, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज प्रेशर डैश। ऑप्शन ए डिक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड प्रेशर इंक्रीजेज, बी इंक्रीजेज और इंक्रीजेज, सी इंक्रीजेज डिक्रीजेज, डी डिक्रीजेज डिक्रीजेज। तो आइडियल गैस में क्या होता है, इफ प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम इज इंक्रीजेज एंड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, ये आप इससे भी निकाल सकते हैं, पी वी बराबर एन आर टी से, ठीक है, उसी से निकल जाएगा ये रिलेशन कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, साउंड सबसे अधिक किसे फास्ट फ्लो होता है? तो पता ये होगा, ठोस में पास होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया एयर, बी आयरन, सी वाटर, डी गैस। तो इसमें सब में से अधिक ठोस कौन सा है? सबसे अधिक ठोस है आयरन, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर सर, क्या सुपर कंडक्टर का क्या क्राइटेरिया, क्या गुण है, क्वालिटी है, क्या गुण है? ऑप्शन ए लेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, बी मोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जी ऑफर्स वेरी लेस ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड द बेड कंडक्टर,
कंडक्शन नहीं, इसका जो होता है सुपर कंडक्टर का मोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड बाय ह्यूमन फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी धातु का यूज मानव ने किया था? सबसे पहले मानव ने कॉपर धातु का यूज किया था, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए जग इज ए सिंक डाउन इन ए मेटल व्हिच पोर्शन फील हाईएस्ट फोर्स? ए टॉप ऑफ द जग, बी बॉटम ऑफ द जग, सी मिडिल ऑफ द जग, डी साइड ऑफ द जग। टॉप ऑफ द जग इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बॉडी फ्लोट्स ऑन द वाटर ड्यू टू, ए बॉडी जो है पानी पे तैरता है क्यों? कोई ना कोई कारण ही होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए दिया गया है, वेट ऑफ द बॉडी इज लेस द वाटर। नहीं, सुई का भी तो वजन क्या होता है, पानी के वजन से कम होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। ऑप्शन बी, वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द वाटर, ये भी असंभव है। सी द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द जग इज इक्वल टू दैट ऑफ द वाटर, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ पानी में तभी तैरता है जब उत्प्लावकता के नियम का पालन उस अनुसार से कर रहा होता है। अब उतना मैं नहीं बताऊंगा, उत्प्लावकता का नियम क्या है ये सब नहीं बताऊंगा, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। याद नहीं रहे तो परमानंद, PN, परमानंद, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि सेंटर में जो होता है PN रहता है, परमानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पेज उलट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मीजर द साइज ऑफ एन एटम। एंगस्ट्रम जो होता है वो आपका किस लिए यूज किया जाता है? लंबाई का मापन होता है एक तरह से, और ये एटम को मापा जाता है एंगस्ट्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड ऑन बेसिस ऑफ ए एटॉमिक मास, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी नन ऑफ दीज। कोई भी एलिमेंट जो आइडेंटिफाइड किया जाता है उसमें परमाणु संख्या से भी कह सकते हैं, और परमाणु संख्या जो होता है आपके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेव लेंथ? ऑप्शन ए एक्सरे, बी अल्ट्रा सोनिक रे, सी रेडियो एक्टिव रे, डी नन ऑफ दीज। सबसे जो अधिक लंबाई किसका होता? तो रेडियो एक्टिव रे का होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ? ए फर्टिलाइजर, बी वाटर, सी सॉइल, डी डिसमेटल। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जी फर्टिलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द फीड फॉर सी आर यू यूनिट इज, सी आर यू यूनिट का फीड क्या होता है? ए एस आर एन कहे तो स्टेट रन नेप्ता, बी क्रैक्ट नेप्ता, सी कोकर नेप्ता, डी रिफॉर्मेट। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एस आर एन नेप्ता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स इम्प्लाइज, ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी स्कैटरिंग, डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है आपका, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इसी में गलत टिक लगा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कोई डाउट रह गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ और आपके कमेंट को मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और यदि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते जाइएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो आगे के लिए बना करके इसी प्रकार से लाते रहूँगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते एक बार और कहूँगा, जाते जाते आप इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपका नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, ओके बाय बाय।